नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर और मैं आपके साथ सपना यादव। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सभी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में कूद गए हैं और जनता के पास जाने के लिए और उन्हें मनाने के लिए दौड़ में रेस लगाने लगे हैं। बीते कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल पूरे किए और जनता के सामने आकर अपनी सरकार के काम का लेखा जोखा रखा। तो वहीं केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव ने दंगल लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 300 यूनिट फ्री करने का वादा कर दिया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी 400 पार का नारा देकर चुनाव को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे। कभी भाजपा विपक्षियों पर हमलावर होती है तो कभी विपक्ष के नेता भाजपा को घेरते नजर आते हैं। इसी बीच एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती। शनिवार यानी आज सुबह ही ट्वीट कर अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की गणना की मांग को ठुकरा कर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती। धन बल की समर्थक भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी है। ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए या अपने बयानों के जरिए भाजपा को घेरा हो। इससे पहले भी यानी इसी गुरुवार को अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि यूपी सरकार गाय, गंगा और गड्ढे के मामले में फेल है। प्रदेश में अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम लोगों की बीजेपी से काफ़ी नाराजगी है और इस वजह से सपा को 400 पार की सीटें मिलने जा रही हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। अखिलेश ने इस नारे के साथ मुलायम सिंह यादव के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की भी परिभाषा बदल दी है। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लिए अब बस कुछ ही महीने रह गए हैं, जिसकी वजह से सभी पार्टी के नेता अपना एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हों, योगी आदित्यनाथ हों या अन्य विपक्षी पार्टी, सब जोर लगा रहे हैं ताकि 2022 की सत्ता में वो काबिज हो जाएं। तो देखना होगा कि ये नेताओं के आरोप प्रत्यारोप जनता को कितने समझ आते हैं और वो किस सरकार को बनाने की कोशिश करते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए NCR मीडिया। धन्यवाद।